राम राम जी सारे ने, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लहंगा बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते वीडियो शुरू। ये मेरे पास ब्लाउज का फैब्रिक है और ये इसका इनर है। तो पहले हम ब्लाउज की कटिंग इनर पे करेंगे। तो ये ब्लाउज मैंने जो बोट नेक बनाना है वन डाट वाला, तो इस तरह से ये देखिए मैंने ब्लाउज के लिए कपड़े को बिछा लिया है, फोर फोल्ड कर लिया मैंने ऐसे। और जो मेजरमेंट है ब्लाउज का वो मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। पहले ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच रखनी है, तो यहाँ से मैं 17 इंच पे निशान लगा लूंगी तुरपाई फोल्ड के लिए भी, और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो ये मैं बोट नेक बनाऊंगी तो मैं तीरा रखूंगी इसमें 7 इंच। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से आर्मोल रखेंगे 7.5 इंच। और सामना देखने के लिए इस तरफ भी 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो जितना हमें तीरा लिया उसे 1 इंच कम निशान लगाएंगे। तो ये मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे और इस निशान को हम तीरे के निशान से मिला देंगे। तीरे के निशान से मिलाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम ऊपर की लाइन से ही मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम देंगे आर्मोल की शेप। तो पहले यहाँ से हम 1/2 इंच कंधी को डाउन कर देंगे और यहाँ से नेक की जितनी भी चौड़ाई रखनी है, जैसे कि मैं नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रखूँगी और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे ऐसे। तिरछा मिलाने के बाद यहाँ से हम आर्मोल का सेंटर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो शेप देने से पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट है 34, 34 में 2 इंच ऐड करेंगे तो होगा 36 इंच। तो ये मैं 36 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन के लिए ले लूँगी। नीचे की तरफ कमर का निशान लगा लेंगे। तो 7.5 इंच मैं कमर का निशान लगा लूँगी। 30 इंच की कमर है तो उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। कमर में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता ब्लाउज में। और इसमें 1 इंच की डाट डालेंगे तो उसका ऐड कर लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। अभी निशानों को मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये बैक क्रॉस था और ये फ्रंट क्रॉस। इस तरह से अब जो ये मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं बाहर वाले, उसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कटिंग करने के बाद यहाँ से हमें फ्रंट क्रॉस को छांटेंगे। तो उससे पहले हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो इसमें प्लेट लेंथ है जो वो है 10 इंच पे, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और निशानों को सीधा कर लेंगे। यही सेम निशान दोनों ही पार्ट पे उठा लेंगे, बैक और फ्रंट पे। तो इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्मोल को भी छांट देंगे। ये मैंने बैक और फ्रंट की अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब इसको सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी ब्लाउज की कटिंग कर ली है और इसके साथ ही मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। भी स्लीव की कटिंग करना सिंपल सा ही है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है तो मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच। तो मैं आपको एक पार्ट को स्टिच करना बताऊँगी, सेम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही स्टिच कर लें। ऐसे ओपन करके इसके ऊपर अस्तर को सेट कर लेंगे और मोटे बकिए के साथ सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक सिलाई सेंटर से लगाएंगे
यहाँ से सेंटर मिला लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ऊपर नीचे से अच्छे से चेक कर लें, सेंटर नहीं आउट होना चाहिए। सेंटर की सिलाई से क्या होता है कि अगर इसमें कम ज़्यादा होगा तो जो भी फालतू है वो एक्स्ट्रा एक साइड ही निकलेगा। और इसके राउंड में स्टिचिंग लगाने में भी बहुत ही आसानी से लगाई जाएगी अगर पहले हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है, अब ऊपर की तरफ से मैं पूरे राउंड में ही अस्तर को स्टिच कर लूँगी। ये मैंने अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसमें हम डाट डालेंगे, तो सेम यही निशान इस तरफ भी लगा लेंगे। ये जैसे कि यहाँ पे उठ के आया है ये निशान, तो इसी निशान को यहाँ पे डार्क कर लेंगे यहाँ से ऐसे। अब इसके यहाँ से डाट डालेंगे, पहले एक सिलाई हम डाट पे भी लगा लेंगे कच्ची। ये मैंने दोनों तरफ कच्ची सिलाई लगा ली डाट पे। अब इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, यहाँ से जितनी चौड़ी डाट डालनी है हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे और यहाँ पे सिलाई को बारीक कर लेंगे। सेम ऐसे इस तरफ डालेंगे। इस तरफ डालने से पहले हम इस प्लेट की चौड़ाई को यहाँ से माप लेंगे, ये है आधा इंच से एक सूत ज़्यादा। तो सेम यहाँ से भी हम ऐसे ही मापेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें ये मैंने डाट डाल ली है इस तरह से, ये देखिए कुछ नज़र आएगा। अब इसमें हम नेक को अटैच करेंगे। तो ये मैंने नेक को पहले तैयार कर लिया था, तो मैंने ये पूरा तैयार नहीं किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको होल्ड करेंगे। तो मैंने जो इसका इनर था उसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग को चिपका लिया इस तरह से। चिपकाने के बाद तो पहले हम एक नेक को ही तैयार करेंगे। यहाँ से किनारे की तरफ से हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर से पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगाने का क्या फ़ायदा, कई बार क्या होता है कि फ्यूजिंग है जो वो कपड़े से अलग हो जाती है, तो इससे हम सिलाई लगाएंगे तो इस पर तो ये अलग नहीं होगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसी सिलाई के पास से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और मैंने नेक की चौड़ाई और लंबाई सेम ही रखी है। नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रखी है और लंबाई भी मैंने 4.5 इंच रखी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक का भी सेंटर बना लिया है और ब्लाउज के भी सेंटर में सिलाई लगाई है। तो यहाँ से पहले सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब नेक के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट कर लें, कहीं से भी आड़ा टेढ़ा ना हो। इस तरह से ये मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद इसके अंदर से हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके राउंड में कट लगाएंगे। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद नेक को इस तरफ पलटेंगे और मार्जिन को नेक की तरफ ही रखेंगे और एक सिलाई नेक के ऊपर से लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे इस तरह से। तो मैं इसको अभी नहीं पलटूंगी, मैं दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही तैयार कर लूंगी ब्लाउज के, और फिर मैं आपको इसको स्टिच करना बताऊंगी कि कैसे पलटेंगे इसको। ये मैंने दोनों पार्ट को ही तैयार कर लिया है, अब इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कंधी को कैसे ज्वाइंट करेंगे। पहले इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, यहाँ से नेक को भी बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ से ये जो सिलाई है सिलाई से सिलाई मिला लेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे मिलाने के बाद और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को पहले पक्का कर लेंगे। और इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही दूसरी कंधे को भी जोड़ लेंगे। ऐसे ही ओपन करेंगे इसको भी और ऐसे सिलाई से सिलाई ही मिलाएंगे इस तरह से, ऐसे मिलाते हुए और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको अब हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए। यहाँ से इसको ऐसे चीर देंगे और ऐसे इस सिलाई को ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब इसके ऊपर से हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि तुपाई करेंगे तो बाद में सिलाई को निकाल देंगे। सिलाई हम इसी शेप में लगाएंगे जिस शेप में हमें नेक को बनाया है। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, इस कंधे की सिलाई को भी ऐसे चीरेंगे और ऐसे पलट लेंगे। ऐसे ही इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने नेक कुछ तरह से स्टिच कर दिया है और कुछ इस तरह से रुकाएगी नेक की बोट। नेक कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा, ये देखिए। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से कर लेंगे। ऐसे करने के बाद पहले हम इसको माप लेंगे अच्छे से। कई बार क्या होता है, जो हम फिटिंग के निशान लगाते हैं वो सिलाई की वजह से 1/2 इंच कम ज़्यादा हो जाते हैं,
तो हम इसको दोबारा से मापेंगे सेंटर से। जो ये मैंने सेंटर की सिलाई लगाई है, इसी सिलाई से हम इसको इस तरह से माप लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं रखूँगी 36। तो ये 9.5 आई है, ये यहाँ पे सिलाई जो निशान लगाया था वो यहाँ पे बढ़ गया, तो ये मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से, और सेम इस तरफ भी ऐसे ही लगा लूँगी। और कमर पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे सेंटर से। तो कमर 23 थी तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 7.5 पे निशान लगाया, और यहाँ से 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरफ। तो ये मैंने 15 इंच पे इस तरफ निशान लगा लिया है। इस तरह से ही ब्लाउज के निशान लगाए जाते हैं फिटिंग के। अब इन निशानों को आपस में ऐसे ही दोबारा से मिला देंगे, और इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। एक साइड में इसमें जिप लगाऊंगी। यहाँ से पहले सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से सिलाई मैंने लगा ली है, इसमें एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर हमें लूज टाइट करना पड़े तो सिलाई को निकाल लें। तो ये सिलाई भी मैंने लगा दी है फिटिंग की इस तरफ। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड है जो वो जिप लगाएंगे, तो यहाँ पे फिटिंग कैसे लगाएंगे। इसको इस तरह से ही करेंगे, और नीचे की तरफ 3 इंच तक निशान लगा देंगे। 2.5 इंच तक भी लगा सकते हो, 3 इंच तक लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशान को हम चेस्ट लाइन से मिला देंगे ऐसे। अब जो ये फिटिंग लगाएंगे एक तरफ, तो ये 3 इंच तक ही लगाएंगे। डबल सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इस पे जिप लगाएंगे। जिप लगाने के बाद नीचे की तरफ से हम ब्लाउज को फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने फिटिंग भी लगा ली है, और इस तरफ पहले हम जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए इसको ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ से ये जहाँ तक हमें जिप लगानी है वहाँ तक इसको ऐसे कर लेंगे इस तरह से फोल्ड ऐसे। ऐसे करने के बाद इसके पास से हम निशान लगा लेंगे, ताकि हम जिप लगाएं तो इसमें पता रहे कि जिप हमें कहाँ और कैसे लगानी है। तो ये मैंने लाइन खींच ली, अभी इसी लाइन के ऊपर जिप को अटैच करेंगे। तो ये मैंने जिप ले ली है, ये देखिए, ये मैंने अलग कलर की जिप ली है, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि कैसे जिप को लगाएंगे। और जिप लगाने के लिए मैंने फुट को भी चेंज कर लिया है, मैंने ये जिप का ही फुट आता है जो वही इसमें डाल लिया है। इस फुट से बहुत ही अच्छे से जिप लग जाती है। तो देखिए जिप को कैसे लगाएंगे, इस तरह से ओपन करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ऐसे रखने के बाद और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो जो ये लाइन खींची है, इस लाइन से हम जिप को थोड़ी सी पीछे की तरफ रखते हुए और फिर ये सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, ऐसे रखेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से जिप को ऐसे ओपन करेंगे ऐसे, इस तरह। यहाँ से जिप को इस तरह से थोड़ा सा यहाँ तक, हम जहाँ तक सिलाई लगाई है वहाँ तक जिप को अटैच कर देंगे।
तो ये मैंने एक तरफ अटैच कर दी है। ये देखिए बिल्कुल ही जिप के पास से ये मैंने सिलाई लगाई है। जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, तो इस तरफ भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ पे हम अंदर की तरफ ऐसे करते हुए और यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे। तो मैं फुट को चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ से इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए जिप लगने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल ही मैंने गुम कर दिया यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए। और अंदर की तरफ भी जो इसका मार्जिन लिया था वो मैंने जिप के ऊपर ही इस तरह से फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ। तो अब इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे, जितनी इसमें लंबाई रखी थी, जैसे कि मैंने 15 इंच रखी थी तो 15 इंच का मैं निशान लगा के इसको नीचे से फोल्ड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया लंबाई का, अब इस निशान से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे ही इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई को उतार देंगे। ये देखिए ये मैंने नीचे की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मेरे पास है ये लेस मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी। तो यहाँ से इस लेस को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसको भी ऐसे ही पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने लेस को अटैच कर लिया है। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी ब्लाउज की किस तरह से लगी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। ये लहंगे के साथ ब्लाउज था, तो इस पर ये लेस मैंने अपने पास से ही लगाई है, और जो कस्टमर देके गया था ये ब्लाउज तब इस पर ये लेस थी। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही ख़राब है, तो ये मैंने अपने पास से इस लेस को मैच करके अटैच कर दिया है। सेम ऐसे ही मैं बाजू पे भी लगाऊंगी। तो बाजू सिंपल है, मैं बाजू को चढ़ा लेती हूँ, फिर प्रॉपर लुक दिखाऊंगी ब्लाउज की। ये मैंने ब्लाउज में स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों स्लीवों को इस तरह से, और प्रॉपर लुक कुछ इस तरह से आएगी ब्लाउज की, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। आप इस ब्लाउज में 3 टक्स भी डाल सकते हो, मैंने 2 टक्स वाला ही ब्लाउज बनाया है और बोट नेक है साथ में। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।